टू पोज, यानी टू एक्सरसाइज, एक चेयर पोज है आपके लिए और एक है रोटेज पोज। तो आप देखिए अच्छे से कीजिए क्योंकि बहुत हेल्दी फूड है। आपको करना क्या है, थाई स्ट्रॉन्ग बनाने की जो थाई एक्सरसाइज है, आपको एंकल स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, अपने नी स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, आपको बैक बोन स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, तो इन सब के लिए एक्सरसाइज। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गुडेज पोज। गुडेज पोज में जो आपके शोल्डर है, शोल्डर से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लिया आपने। डिस्टेंस लेने के बाद आप हैंड को ऐसे ले गए, सही है, इसको यहाँ पे खिंचाव रखना है, स्ट्रेचिंग यहाँ पे भी रखना है कि आप टाइट रहो। उसके बाद डाउन होना है, बिल्कुल ऐसे करके, सही है, थोड़ा आप बिल्कुल ऐसे नी होंगे आपको बाहर की तरफ, सही है, आप ऐसे डाउन होंगे, क्लियर। या आपको और 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधे फिर खड़े हो जाना है आपको, फिर अगेन फिर से स्टार्ट करना है, सही, कम से कम 5 टाइम। और आप ये देखिए कि आपको पेन कहाँ पर हो रहा है, सही, आपको दर्द कहाँ हो रहा है, खिंचाव कहाँ आ रहा है, उसी चीज़ की एक्सरसाइज है। तो अगेन फिर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको कई जगह पर खिंचाव है, यहाँ हिप एंड नीचे एंकल पे। नेक्स्ट आता है चेयर पोज, सेम है, बस उसमें पैर खुले हुए हैं, इसमें पैर आपके क्लोज होंगे, जैसे आप चेयर पर बैठते हो उसी टाइप से चेयर पोज, सही है। आप ये ऐसे करके बैठ गए, बैठने के बाद आपने हाथ आगे कर दिया, सही है, ऐसे करके आपको, और बैक बोन जो आपकी बैक बोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे रहे, क्लियर। स्टार्ट करें और स्लोली स्लोली करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिनिश, थोड़ा रेस्ट टाइम, रेस्ट जरूर लें क्योंकि कंटिन्यू हो नहीं सकता आप लोगों से, इसलिए रेस्ट जरूर करें, 5 टाइम रेस्ट, 1 2 3 4 5, 5 टाइम रेस्ट, फिर अगेन 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसी तरीके से आप लोग कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय बच्चों।